दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान बोर्ड 2021 और 22 की परीक्षाओं के सिलेबस को लेकर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा इस वर्ष सत्र 2021 और 22 के सिलेबस है वो एनसीईआरटी रहेगा, यानी 10th और 12th क्लास का सिलेबस एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर दिया आरबीएसई बोर्ड ने। फाइनली आरबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2022 का नया पाठ्यक्रम है और इसका अंक विभाजन प्रक्रिया भी पूरी की पूरी अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं सत्र 2022 के पाठ्यक्रम और अंक विभाजन प्रक्रिया की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो का लिंक आ चुका है, इस वीडियो को देखें, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इस वर्ष है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने सिलेबस में कटौती करेगा तो कितने प्रतिशत सिलेबस में कटौती की जाएगी, यानी कि सिलेबस कम किया जाएगा पिछले वर्ष की तरह या फिर पूरा 100% ही रहेगा, तो इस वीडियो में ये भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहां से जाकर अपना पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं आपका सिलेबस कम होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, देशव्यापी प्रतियोगिता दौर को देखते हुए 10वीं और 12वीं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इससे राज्य के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन का अवसर मौका मिलता है। अखिल भारतीय परीक्षाओं में इस पाठ्यक्रम से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम नेशनल लेवल का पाठ्यक्रम होता है, नहीं कम होगा। 10वीं 12वीं का कोर्स नियमित करेंगे विद्यार्थियों का मूल्यांकन। अब देखिए, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सत्र 2021 और 22 कुछ देरी से शुरू हो रहा है, लेकिन पिछले साल की तरह फिलहाल 10वीं और 12वीं का कोर्स है वो कम करने की योजना नहीं है। इस साल हुई परेशानियों को देखते हुए अब 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को पूरे सत्र नियमित मूल्यांकन किया जाएगा ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। डोटासरा ने यह बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं के नतीजे जारी करते वक्त कही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, इसके लिए ये 12वीं सहित पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर बनाया गया है। सत्र 2021 और 22 में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा ताकि वार्षिक परीक्षा पर दिक्कत नहीं हो। अब आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का 2021 और 22 में सिलेबस कम करने का कोई भी विचार नहीं है। इस बार आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। सिलेबस रिड्यूस होने के अनुसार बात करें तो स्कूलों पर डिपेंड करता है, अगर स्कूलें लेट खुल गई तो फिर सिलेबस में कटौती हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि इस वर्ष आपका सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी, आपका सिलेबस को कम नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपका सवाल ये क्लियर हो चुका है कि इस वर्ष आपका 100% सिलेबस रहेगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है और पूरा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों बात है वो आपकी क्लियर हो चुकी है, इस वर्ष पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आए चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा कर जाए। आरबीएसई बोर्ड को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।